हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 के फिजिक्स में आज की टॉपिक है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन इसको कहते हैं, एक्सीलरेशन जो है द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विथ टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी विथ टाइम इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स वेलोसिटी, जिस दर पे वेलोसिटी जो है चेंज करता है ना समय के साथ, उसको हम एक्सीलरेशन कहेंगे। तो एक्सीलरेशन इक्वल टू क्या हो गया, एक्सीलरेशन इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। ठीक है, इट मीन्स ए इक्वल टू ए फॉर एक्सीलरेशन, ए इक्वल टू बी फॉर फाइनल वेलोसिटी, U for initial velocity, T for time taken. So, ये A equal to V minus U upon T. V minus U upon T. ठीक है ना? Where A equal to acceleration, V equal to final velocity, U equal to initial velocity and T is equal to time taken. T is equal to time taken. So, अब SI unit of acceleration क्या होगा? हो गया SI unit of acceleration के विषय में देखेंगे। SI unit of acceleration is first है meter per second square, दूसरा है kilometer per आवर्स स्क्वायर। तो ये है, पहला है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूसरा है किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। तो चूंकि एक्सेलरेशन जो है डायरेक्शन होता है, इसलिए एक्सेलरेशन जो है वो वेक्टर क्वांटिटी में है। एक्सेलरेशन इज वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। एंड नेगेटिव एक्सीलरेशन इज रिटार्डेशन। निगेटिव एक्सीलरेशन जो है वो क्या है, रिटार्डेशन है। तो रिटार्डेशन में किस तरह से हम करेंगे, तो रिटार्डेशन जो है
वो माइनस साइन इंडिकेट द एक्सेलरेशन इज रिटार्डेशन। माइनस साइन अगर एक्सेलरेशन में आता है तो वो रिटार्डेशन होगा। तो रिटार्डेशन को हम यहां पे बताते हैं आपको, दे दो रिटार्डेशन। इफ माइनस साइन इंडिकेट दैट फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन इनिशियल वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी सो निगेटिव वैल्यू, सो द निगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज रिटार्डेशन। है ना, निगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज रिटार्डेशन। जैसे यहां पे अगर हम एग्जांपल लेते हैं कि एक्सेलरेशन इक्वल टू टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये रिटार्डेशन है? नहीं, ये एक्सेलरेशन हुआ। तो रिटार्डेशन क्या होगा? रिटार्डेशन होगा निगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन, है ना। जब रिटार्डेशन में ये निगेटिव वैल्यू एक्सेलरेशन का होगा, ठीक है ना। जैसे एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया, तो ये रिटार्डेशन हो जाएगा। रिटार्डेशन होगा, याद रखिएगा, रिटार्डेशन में माइनस टू अगर एक्सेलरेशन में आता है तो रिटार्डेशन में ये माइनस नहीं लिखेंगे, प्लस में लिखेंगे, क्योंकि रिटार्डेशन हमेशा पॉजिटिव में होगा। तो ये हो जाएगा टू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रिटार्डेशन का मतलब ये हो गया कि माइनस एक्सेलरेशन, है ना। जैसे एग्जाम्पल हम लेते हैं, एक एग्जाम्पल में ले लीजिए, जैसे एग्जाम्पल में फाइनल वेलोसिटी भी इक्वल टू यहां पे 80 किलोमीटर चाहे मीटर पर है, मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 60 मीटर पर सेकेंड। टाइम टेकन t इक्वल टू 10 सेकेंड,
तो सबसे पहले तो जानेंगे कि एक्सेलरेशन क्या होता है। तो यहाँ एक्सेलरेशन देखिए क्या बताता है, ए इक्वल टू क्या होता है वी माइनस यू अपॉन टी। ए कितना हो जाएगा 80 माइनस 60 अपॉन 10, क्या हो गया 80 में से 60 20 अपॉन 10 कट गया, कैंसिल हो गया, ये आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो ए जो है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। तो ये किस स्थिति में आया, जब फाइनल वेलोसिटी जो है इनिशियल वेलोसिटी से ग्रेटर है, मोर है ना, ज्यादा है, तब एक्सेलरेशन निकलेगा। लेकिन रिटार्डेशन में क्या कहता है कि जब फाइनल वेलोसिटी इज लेस देन द इनिशियल वेलोसिटी, यानी कि ये अगर 60 हो और इनिशियल वेलोसिटी 80 हो, तब वैसी स्थिति में क्या हो जाएगा, तो वैसी स्थिति में एक्सेलरेशन ए इक्वल टू क्या होगा, यहां हो जाएगा 60, यहां हो जाएगा 80, यहां हो जाएगा माइनस 20, और ये माइनस जब कटेगा तब ये कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। माइनस 2 मीटर, तो ए इक्वल टू माइनस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब ये माइनस 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो आया है निगेटिव एक्सेलरेशन, इसका मतलब हो गया कि रिटार्डेशन है। तो रिटार्डेशन क्या हो जाएगा, रिटार्डेशन हो जाएगा 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा रिटार्डेशन 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। यहां तक क्लियर है, अब चलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहता है इफ ए बॉडी ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन, अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन सीधी रेखा में चलती है तो इट्स वेलोसिटी इंक्रीज बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। अगर इक्वल अमाउंट में वो इंक्रीज कर रहा है और इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम है, तो ऐसे में जो एक्सेलरेशन होगा वो क्या होगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। नोट कर लीजिए, इफ ए बॉडी ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन and its velocity increases by equal amount in इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल क्या होगा, तो एग्जांपल है फ्री फॉल जब करता है कोई भी ऑब्जेक्ट को, जब हम ऊपर से नीचे की ओर गिराते हैं, फ्री फॉल कराते हैं, तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। क्यों, क्योंकि वो इक्वल, उसकी जो वेलोसिटी होता है जो इंक्रीज करता है वो इक्वल अमाउंट में इंक्रीज करेगा, और जो
टाइम इंटरवल होगा वो भी इक्वल होगा, है ना। फ्री फॉलिंग बॉडी इज द एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होगा फिर? तो इन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ में टाइम ग्राफ ऑफ ए बॉडी है ना हैविंग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन एज इन स्ट्रेट लाइन, क्या होगा? स्ट्रेट लाइन में होगा, स्ट्रेट लाइन में यानी सीधी रेखा में। देखते हैं, जब ग्राफ बताएंगे तो इसको हम आपको क्लियर करेंगे, लेकिन ऐसे अभी आप जान लीजिए यहाँ पे, ठीक है ना, यहाँ पे टाइम हो जाएगा और इधर वेलोसिटी हो जाएगा। तो जो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा वो ऐसे होगा, स्ट्रेट लाइन इंक्रीज कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है ना, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इसमें बस वही है, थोड़ा बहुत चेंज करेंगे। इफ ए बॉडी वेलोसिटी है ना, इफ ए बॉडी वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय अनइक्वल अमाउंट में उसकी जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, है ना। तो इसको करेंगे, If a body velocity increases by unequal
amount in equal interval of time. Equal interval of time. तो example इसका very simple है. इसका example जो है, कोई भी vehicle आप लीजिए, car, motor, bus, truck, bike, है ना, in crowded city, भीड़ भाड़ वाली रास्ता में, तो इसका motion जो होगा वो non uniform होगा, कभी तेज कभी धीमा, है ना, फिर तेज. तो इस तरह से एग्जांपल आप नोट कर लीजिए. द मूवमेंट कार ऑन ए crowded road its motion is non uniform acceleration. Non-uniform acceleration. तो non-uniform acceleration क्या produce करेगा? In the velocity time graph में curve line produce करेगा, है ना? In non-uniform acceleration is curve line produce करेगा in velocity time graph में. देखते हैं, the velocity time graph बताएंगे. अगला topic मेरा velocity time graph का होगा, तो ध्यान से देखिएगा, क्योंकि velocity time graph बहुत important है. तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में जो हम बनाएंगे ग्राफ, तो ऐसा बनेगा, एक्स हो गया, वाई हो गया, इधर वेलोसिटी हो जाएगा मीटर पर सेकंड, इधर टाइम होगा, ये टाइम जो है सेकंड में ले लीजिए, वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में ले लीजिए. इसका जो ग्राफ तैयार होगा ना, वो ऐसे ग्राफ तैयार होगा. इसका ग्राफ जो है नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का ग्राफ कर्व लाइन में होगा. क्या होगा? कर्व लाइन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन इस टाइप का, नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन का ग्राफ तैयार होगा इसमें, इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ. तो आज के लिए इतना ही. अगला जो टॉपिक होगा हमारा, वो होगा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, उसके बाद डिस्टेंस टाइम ग्राफ वो बताएंगे, ठीक है ना? तो अगले बार प्रिपेयर रहिएगा, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे. थैंक यू.